हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सरकारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी से संबंधित लेटर निकला है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का। तो पूरा इसको लेटर को हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्लियर होगा कि यह छुट्टी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 18/5/2020 से दिनांक 10/6/2020 की अवधि ग्रीष्म अवकाश घोषित था। पहले से जो छुट्टी का वो था लिस्ट था उसमें 18/5 से लेके 10/6 तक गर्मी की छुट्टी घोषित था, लेकिन 31/5/2020 तक लॉकडाउन की अवधि रही। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने ज्ञापांक 750 दिनांक 3/6/2020 एवं अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 152 दिनांक 11/6/2020 के द्वारा हड़ताल अवधि के समांजन का आदेश निर्गत किया गया। वैसे शिक्षक जो हड़ताल में नहीं थे को दिनांक 26/6/2020 यानी 26 जून से लेके 5 जुलाई तक कुल 10 दिनों का ग्रीष्मावकाश उपभोग करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है। उक्त ग्रीष्मावकाश का उपभोग करने वाले प्रधानाध्यापक, विद्यालय में पदस्थापित वरीयतम शिक्षक जो हड़ताल अवधि के समांजन हेतु विद्यालय के कर्तव्य पर उपस्थित है, वो दैनिक कार्यों का प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक एवं मोबाइल खुला रखेंगे एवं कोविड-19 एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवा देने हेतु मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति की कोई भी शिक्षक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। तो मुख्यालय छोड़ के बाहर नहीं जाना है और साथ ही फ़ोन को ऑन रखना है ताकि कभी भी कोविड-19 से संबंधित जो आवश्यक कार्य होगा उसमें मतलब अपना सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहना है मानसिक रूप से। वैसे विद्यालय जहां 9वीं की कक्षा का संचालन एवं शैक्षणिक सत्र में शुरू किया जाना है कि प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के मुख्यालय में रहकर सभी तैयारी तथा आधारभूत संरचना से संबंधित सभी कार्य अनिवार्य रूप से करते रहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो मिडिल स्कूल था जिसमें 9वीं का क्लास शुरू होना है, तो वहाँ पे मतलब जो भी कार्य उससे संबंधित है उसको अपना करते रहेंगे। सरकार, विभाग, उच्च अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रतिकूल आदेश निर्गत होने पर यह आदेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। और यह जो आदेश दिया गया, अगर कोई भी प्रतिकूल आदेश ऊपर से निर्गत होगा तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कोविड-19, चुनाव, आपदा कार्य इत्यादि में की गई है तो वह अपने कर्तव्य पर बने रहेंगे एवं नियमानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान की जा सकेगी। और ऐसे शिक्षक जिनका कहीं पर ड्यूटी लगा हुआ है, चाहे वो कोविड-19 में हो, चुनाव में हो या किसी भी आपदा में हो, तो अपने कर्तव्य पे बने रहेंगे और उसके बदले वो 10 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश उनको मिलेगा। तो ये 24 के डेट में जारी हुआ है, 26 से इसका उपभोग शिक्षक कर सकेंगे। प्रारंभिक स्कूल के, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के सभी शिक्षक के लिए आदेश निर्गत है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।